हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। संगम नगरी में एक मदरसे में नकली नोट की छपाई हो रही थी। इसी मामले में मदरसे पर प्रशासन की ओर से शिकंजा कसता जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस मदरसे का संचालन करने वाली सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएगा। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने फर्म्स सोसाइटी एंड चिट्स के असिस्टेंट रजिस्ट्रार से सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन रद्द किए जाने की सिफारिश की है। अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कृष्ण मुरारी ने इस बारे में औपचारिक पत्र भेजा है। इस पत्र में कहा गया है कि नकली नोट छापने वाला मदरसा जामिया हबीबिया मान्यता प्राप्त नहीं है, यह अवैध रूप से संचालित हो रहा है। इस मदरसे में छुपकर नकली नोट छापने का गोरख धंधा होता था। यह मामला सामने आने के बाद जल्द मदरसे को सील किया जा सकता है। यही नहीं, बुलडोजर की कार्रवाई भी की जा सकती है। आपको हम बता दें कि इस मदरसे का संचालन सोसाइटी अंजुमन जामिया हबीबिया करती है। पत्र के जरिए समिति का रजिस्ट्रेशन रद्द कर प्रबंध समिति को बर्खास्त किए जाने की संस्तुति की गई है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कृष्ण मुरारी के मुताबिक समिति का रजिस्ट्रेशन रद्द होने के बाद मदरसे को कतई संचालित नहीं किया जा सकता। अधिकारी ने दावा किया है कि नकली नोट छापने वाले इस मदरसे को अब रडार और सर्विलांस पर लिया जाएगा और यहां की एक एक गतिविधि की जानकारी जुटाई जाएगी। खबरों के मुताबिक आने वाले दिनों में इस अवैध मदरसे को सील किया जा सकता है और इस पर बुलडोजर की कार्रवाई भी की जा सकती है। बता दें कि प्रयागराज पुलिस ने मदरसे में नकली नोट छापने वाले गैंग का खुलासा किया है। ये गैंग एक मदरसे में छुपकर इस काले कारनामे को अंजाम देता था। इस मामले में मदरसे के कार्यवाहक प्रिंसिपल मौलवी मोहम्मद तफसीलुल समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें गिरोह का मास्टरमाइंड जाहिर खान उर्फ अब्दुल जाहिर भी शामिल है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।